लेबनन पर इसराइल के हमले जारी हैं। लेबनन की तरफ से भी हिजबुल्ला के आतंकवादी इसराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनन इसराइल बॉर्डर का इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और कैसे हिजबुल्ला के आतंकवादी इन पहाड़ों का इस्तेमाल करके गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अशरफ वानी की आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते, आप देखिए। ये शीबा मेरे पीछे जो है द्वार है और जो जो आप देख सकते हैं ये शीबा जो है ये आखिरी गांव है। कल जो पत्रकारों की हत्या हुई थी इसराइल ने की थी एक मिसाइल दाग के, बिल्कुल मेरे इस पीछे ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये फलस्तीन का इलाका और साथ में इसमें लेबनान दक्षिणी लेबनान का इलाका सटा हुआ है। मैं सुबह एक घंटे से यहाँ इस पूरे इलाके में हूँ, यहाँ पर भगाया जा रहा है, कोई आम नागरिक नजर नहीं आ रहा है, इतना तनाव यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हिजबुल्ला का मेन ठिकाना जो है यही इलाका है। ये आप देख लीजिए पहाड़ियां हैं, यहाँ पर इसराइल के लिए मुसीबत यह है कि यहाँ पर कोई भी उनका बाड़ जो सीमेंट के कंक्रीट वॉल्स उन्होंने लेबनान के दूसरे सीमावर्ती इलाकों में बनाए हैं इस पहाड़ों पर बनाए नहीं है। मुझे यहाँ पर स्थानीय लोग कह रहे थे कि चरवाहे जाते हैं फलस्तीन में यहाँ से लेबनान के इस इलाके से, वहां पर अपनी भेड़ बकरियां पाल के फिर वापस आ जाते हैं और इसलिए उनमें लड़ाकू भी हिजबुल्ला के जो है कई सारे जो है पहले ही इसराइल के इलाके में घुस चुके हैं, यानी फलस्तीन में घुसे हैं जहां पर इसराइल है। और हमास की तरफ से भी इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। आधी रात को तेल अवीव में अचानक हमले का सायरन बजने लगा। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा उस वक्त तेल अवीव में ही थे, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं वहां से। जो आप सुन रहे हैं अचानक से सायरन बजा है इस समय तेल अवीव शहर से थोड़ी सी दूरी पर, और अचानक से सायरन बजने के बाद ये देखिए रात को जैसे दरअसल शहर सो जाता है तब खतरा बढ़ता है। मैं भी अपने कमरे में सो रहा था और अचानक ही देखिए सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, पूरा शहर ये शांत है और इसका मतलब है कि अचानक से हमला होने वाला और कहीं ना कहीं से रॉकेट आने वाला है और ये खतरा लगातार बरकरार है इसराइल में। मैं टेल अवीव से कुछ इलाके दूर याफा में हूँ और ये आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब रॉकेट का खतरा है। और इस बीच आपको बता दें ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल नहीं रुका और वो मिलिट्री के दम पर गाजा पट्टी खाली कराएगा तो ईरान उसके खिलाफ युद्ध में उतर सकता है। तो बड़ी खबर है, इस वक्त ईरान ने यूएन के जरिए इसराइल को चेतावनी दी है कि अब रुक जाओ वरना युद्ध में शामिल हो जाएगा वो भी। लेकिन ईरान की इस चेतावनी का इसराइल पर कोई फर्क नहीं है, कोई असर नहीं है। इसराइल की फौजें लगातार गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रही है। वॉर जोन से गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस समय इसराइल की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आप ये टैंक देख रहे हैं जिनको फ्रंट लाइन पे लाया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पख्तरबंद गाड़ियां अब गाजा पट्टी की तरफ तेजी से बढ़ रही है और ये दिखाता है कि इस समय यहाँ स्थिति कितनी संवेदनशील है। आज एक हफ्ता हो गया जब हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में 1,300 बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल का अब एक बड़ा लक्ष्य है और वो लक्ष्य है हमास का पूरी तरह से खात्मा। इसराइल की सेना अब न केवल आकाश से वार कर रही है, न केवल समुद्र के रास्ते हमास पर वार कर रही है, बल्कि ग्राउंड फोर्सेस अब पूरी तरह से तैयार है गाजा पट्टी में घुसकर आतंक को घर में घुसकर मारने के लिए।